जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जैसे कि गुरुदेव बहुत उदास दिख रहे हैं, दर्शन हो रहा है और अश्रु निकल रहे हैं। ये सब आंसू जो हैं श्री राधा रानी की विधा के हैं और श्री राधा रानी की याद में रो रहे हैं। जैसे आप जानती हो, गुरुदेव जब भजन संध्या होती है तो अपना ध्यान पूरा पूरा अपने श्री राधा रानी में लगा देते हैं, कृष्ण में लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा उनका श्रृंगार को निहारते हैं। उनका अच्छे से जितना उनसे देखा जाए उतने देखते हैं, निहारते हैं, उनका दर्शन करते हैं और भजन में बहुत ज़्यादा मगन हो जाते हैं। भजन करते करते उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और ये सौभाग्यशाली सभी शिष्य, उनके सेवादार के इतने परम संतों की और परम इतने गुरु की सेवा उनको प्राप्त हुई, और जो तीनों लोक की स्वामिनी है श्री राधा रानी, उनकी भी सेवा उनको प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं जैसे कि गुरुदेव रोज़ाना खुश अपने कोशिश करते हैं श्री राधा रानी को एक से एक सुंदर वस्त्र पहनाने की, एक से एक सुंदर उनका आभूषण पहनाने की, खुशी से खुशी रखने की उनकी कोशिश करते हैं और उनकी कृपा से रोज़ नया कलर अर्पित उनको करते हैं और बहुत सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं। सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, उनके नाम का भी सिंहासन रोज़ चेंज होता है और रोज़ उनका नाम को भी बहुत प्यारे सिंहासन पे वस्त्र पहना के बहुत विराजा जाता है और सब कुछ नया सेटअप होता है रोज़ाना। इतना प्यारा श्रृंगार करते हैं। आज हमारे श्री राधा रानी ने आसमानी लाइट कलर्स के वस्त्र पहने हैं जिसमें बहुत प्यारी लग रही हैं, और सेम वस्त्रों जैसी ही ज्वेलरीज है उनकी जो बहुत प्यारी लग रहे हैं, और ताज़ा ताज़ा उनको खुशबू अर्पित करते हैं श्री राधा रानी को। उनकी ही बगीचे में पूरा सब कुछ उनकी राधा रानी का है और उनको हर रोज़ आना उनसे बहुत नए से नया सब कुछ उनको अर्पित करते हैं, और बहुत दूर दूर से भक्त वृंदावन के गुरुदेव के दर्शन के लिए भी आते हैं, श्री राधा रानी के श्रृंगार को निहारने के लिए भी आते हैं, दर्शन करने के लिए। और जब भजन संध्या करते हैं तो गुरुदेव देख सकते हैं स्वयं खुद आरती करते हैं और उनको पुष्प चढ़ाते हैं, घुटने टेक कर उनको निहारते हैं और उनके आगे रोते हैं और बहुत ज़्यादा भजन में मगन हो जाते हैं। देखिए महासंत वृंदावन में, आप केदारनाथ चले जाओ या ऋषिकेश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, ऐसे परम भक्त संत का मिलना आपको वहीं पर है, और बहुत ही महासंत मिलेंगे आपको। और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, बहुत उनको परम ज्ञान है, जो उनका ज्ञान पाने के लिए बहुत बहुत दूर से भक्त आते हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर्स भी उनसे मिलने आते हैं। और भजन ऐसा कोई नहीं था जो भजन गाए बिना नहीं गाया, बहुत सुंदर सुंदर राधा रानी के भजन का रसपान भी करते हैं। और इतना ही नहीं, श्री राधा रानी की कृपा सभी भक्तों पर है जो उनसे जुड़े हैं। गुरुदेव ने अपने पीला रंग अपना लिया है राधा रानी का, और जैसे उनका नाम है वैसे उनमें भावना भी है, प्रेम भाव की। लेकिन राधा रानी के विशेष के बारे में कुछ भी गलत कोई बोले उनसे सहार नहीं जाता, अधिक क्रोध उनको आ जाता है और क्षमा मंगवाते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रोध है क्योंकि अपने बारे में सब कुछ सुन सकते हैं, श्री राधा रानी के बारे में गलत विशेष नहीं सुन सकते। और सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी नहीं, हम सब भक्त जो भी मानते हैं राधा कृष्ण जी को, तो हम सबको भी ये देखना चाहिए। और कहते हैं हमारे बस कान्हा जी जानते हैं सेवा, और उनका भाव हम सभी को बहुत प्रिय लगता है। और देख सकते हैं जो परम गुरु हैं, जब ये अपने ब्रज की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं 2 बजे या 3 बजे रात्रि के, तो सभी भक्त अपने छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा हो जवान हो, सभी अपने अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए वो भी उनसे पहले मार्ग में खड़े हो जाते हैं और उनके लिए सुंदर सुंदर भाव अपने अर्पित करते हैं। जिसका जैसे भक्त का भाव होता है वैसे उनको अर्पित करते हैं। गुरुदेव देखकर बहुत उनको प्रसन्नता होती है और सभी से हाथ जोड़कर सभी से मिलते हैं, दर्शन देते हैं अपना, और श्री राधा राधे नाम का उच्चार करने लग जाते हैं भक्त देखते खनी। बहुत ही बहुत सौभाग्यशाली है, राधा नाम में इतनी शक्ति है। 2 अक्षरों का नाम है हमारे श्री राधा रानी का, लेकिन कार्य बड़े बड़े हो जाते हैं। इसी नाम जप में बहुत एक सुकून है जो संसार में किसी चीज़ वस्तु में नहीं है। तो आप ही
इस कलयुग में अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने अंदर निर्मलता पानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, कथा सुने और अपना कार्य भी करते रहें, अपना अधिक से अधिक पैसे भी कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्य भी करें, कर्म नहीं छोड़ें, लेकिन अपने मन को कंट्रोल और अपना निर्मलता चाहते हो तो अपना नाम जप करें जितना हो सके जीवन में। साथ में यही जाना है, अपना कर्म और अपना आप को देखना है, अपना जीवन में क्या आपको लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है। तो अपने कर्म बस अपना ऐसा कीजिए जो आपके साथ जाएगा और बहुत ज़्यादा सभी को प्रिय लगे। हमारी श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर बहुत साथ में होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और अभी जब भी आपने इनका दर्शन किया होगा किसी भी मंदिर में, हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं चेहरे पर। तो हम सभी भक्त कृष्ण दासों का भी यही फ़र्ज़ है कि हमसे कैसी भी विपदा आए, मुसीबत आए, हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए और सत्संग सुनने ही काफ़ी नहीं होता है। अपने जीवन में हर बात को उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के वचनों पर चलना, गुरु पर विश्वास करना, परमात्मा पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। और जिसको परमात्मा पर विश्वास हुआ वो कभी नहीं डगमगाता अपने मार्ग से, चाहे वो कितनी बड़ी विपदा हो कैसी भी हो, क्योंकि विपदा आने से पहले स्वयं वो भी किसी कारण से आती है और भेजने वाला भी वही है और संभालने वाला भी वही है। तो प्यारे प्यारे कमेंट करें गुरुदेव के लिए, इनका ज्ञान आपको अच्छा लगता हो और इनके रोज़